बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। विचार से लेकर पुरानी तस्वीर तक, किस्से से लेकर पुरानी यादों तक, बिग बी हमेशा अपने चाहने वालों के साथ हर चीज साझा करते हैं। अपने ब्लॉग के जरिए जिंदगी से जुड़े कई पहलू अपने फैंस को बताते हैं और एक बार फिर से बिग बी अपने ब्लॉग के जरिए चर्चा में आ गए हैं। अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें फ़ोन और फ़ोन की अहमियत पर एक किस्सा साझा किया है। वो बताते हैं कि कैसे एक स्मार्टफोन ने इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। ट्वीट में बिग बी लिखते हैं, पहिए को सबसे बड़ी खोज बताया जाता है, लेकिन आज के समय में स्मार्टफोन सबसे बड़ी खोज है। बिग बी लिखते हैं, वो बार बार उंगलियों से नंबर को घुमाना उस समय अलग ही मज़ा देता था। ये मज़ा उन लोगों को मिलता था जिनके घर में लैंडलाइन हो। उस लैंडलाइन को खरीदना भी उस वक्त आसान नहीं था। हमने खुद काफ़ी समय तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। अपने पिता को याद करते हुए बिग बी बताते हैं कि कैसे जब पिता दूर चले जाते थे तो बिग बी उनसे बात किया करते थे। बिग बी लिखते हैं, जब बाबूजी कैम्ब्रिज में PhD कर रहे थे, एक वक्त ऐसा भी आया जब हम उनसे 2 साल तक नहीं मिल पाए। उन्होंने तब हमें एक चिट्ठी के जरिए बस इतना बताया कि किस दिन और कितने बजे वो हमें फ़ोन मिलाएंगे। उस समय एक चिट्ठी को पहुंचने में 7 से 10 दिन लग जाया करते थे। बिग बी बताते हैं कि उस समय उनके पिता के वो फ़ोन कॉल काफ़ी मायने रखते थे। वो बेसब्री से अपने पिता के फ़ोन का इंतज़ार करते। अमिताभ बच्चन ने बड़े ही आसान शब्दों में स्मार्टफोन और लैंडलाइन के बीच का अंतर बता दिया। उनके मुताबिक जब लैंडलाइन बजता तो पूरा परिवार भागता था ये देखने के लिए कि किसका फ़ोन है, लेकिन अब स्मार्टफोन के ज़माने में इंसान के पास आज़ादी है कि उसे फ़ोन उठाना है या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।